सभी को राम राम। मेरा नाम नीर सोलंकी NER दिल के थोड़ा पास दिमाग से पूरा बाहर। अरे आज लिखा है एक लड़की के खिलाफ। देखो क्लियर है, बट सब एक्स जैसे नहीं होते हैं, पर जो गलत है वो गलत है। तो उसके ऊपर लिखा है मैंने कि गलत को गलत कहना कोई गलत बात नहीं है, कि गलत को गलत कहना कोई गलत बात नहीं है। मुझको बातें छुपानी नहीं आती, गुलामी करता तो सहनसा होता, बेशक सहनसा नहीं हूं, मुझे गुलामी नहीं आती। तो अब इसका टाइटल है कि तुझे मुझे पाना अब तेरी औकात से बाहर है। तो स्टार्ट करते हैं इसको कि आई थी वो मेरे पास हिजर की रात बनके, कि आई थी वो मेरे पास हिजर की रात बनके, अब उसे कौन बताए हिजर ही मेरा पहला प्यार है। अब तुझे मुझे पाना तेरी औकात से बाहर है। कि अब एक सीरीज आई थी 5 साल पहले यूट्यूब पे, उल्टी सलवार, शायद देखी हो किसी ने, नहीं देखी हो देख लेना, अगर उसने देखी होगी वो समझेगा इस शेर को। कि करती थी मुझसे हमेशा वफा की बातें, कि करती थी मुझसे हमेशा वफा की बातें, बेवफा आज पकड़ी गई, सबूत उसकी उल्टी सलवार है। तेरा मुझे पाना अब तेरी औकात से बाहर है। कि पता नहीं ये इश्क का समुंदर कब जंग का मैदान हो गया, कि पता नहीं ये इश्क का समुंदर कब जंग का मैदान हो गया, हारी तू थी पर लोग कहते हैं ये मेरी हार है। तुझे मुझे पाना अब तेरी औकात से बाहर है। कि जताई थी सच्ची मोहब्बत तुझे किसी को इग्नोर करके, कि जताई थी सच्ची मोहब्बत तुझे किसी को इग्नोर करके, अब वही शख्स मेरी सच्ची मोहब्बत का हकदार है। तेरा अब मुझे पाना तेरी औकात से बाहर है। अब लड़कियां होती है ना कि वो सोचती हैं कि चलो पैसे वाला है खत्म कर दो उसको। तो उसमें लिखा था कि उसने सोचा इश्क का नया नया राहगीर है लूट लेती हूँ, कि उसने सोचा इश्क का नया नया राहगीर है लूट लेती हूँ, मैडम राहगीर तो नया है पर लुटेरों का सरदार है। तेरा मुझे पाना अब तेरी औकात से बाहर है। कि किसी को मेरी फिक्र मेरी जरूरत लगती है, कि किसी को मेरी फिक्र मेरी जरूरत लगती है, इस बात से अब मेरी फिक्र भी शर्मसार है। तेरा मुझे पाना तेरी औकात से बाहर है। और जब वो क्या होता है ना, छोड़ के चली जाती है लड़का डिप्रेशन में, अब लड़का कभी ना कभी तो बाहर आएगा, फिर लड़की को लगता है कि यार गलत छोड़ दिया बंदा तो यही था, वो फिर कम बैक करती है, चलो हम भूल जाते हैं पुरानी बातों को। तो वो कहती है कि लड़का कहता है कि कल मिली और बोली मुझसे तुम्हारे साथ पहले जैसा जीना है, कि कल मिली और बोली मुझसे कि तुम्हारे साथ पहले जैसा जीना है। अरे कैसे जिएगी, जो था सिख वो मर गया, जिसके पास आई है ना ये उसकी मजार है। तेरा मुझे पाना तेरी औकात से बाहर है। कि कर खुद का ही कत्ल अब हम कातिल हो गए, कि कर खुद का ही कत्ल अब हम कातिल हो गए, जो मासूम था ना वो मर गया, इस कातिल का हाहाकार है। अब तेरा मुझे पाना तेरी औकात से बाहर है। ठीक है, अब एक मोटिवेशनल शायरी लिखी थी मैंने। ठीक है, तो 4 लाइन की है, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। कि बंदा क्या होता है, मतलब एक टाइम पे आके ना ऐसा स्ट्रेस में फंस जाता है, और सबके पास एक ही बात होती है कि यार भगवान खेल रहा हमारे साथ, सबके पास एक ही फंडा होता है कि उससे लड़ नहीं सकते, तो वो बोलते थे भगवान खेल रहा है मैं क्या करूं। तो उस पर मैंने लिखा था कि जीवन की रेस में अगर जीतना है तो बिना ब्रेक की गाड़ी बन जाओ, कि अगर जीवन की रेस में अगर जीतना है तो बिना ब्रेक की गाड़ी बन जाओ, बेशक मत बनो कोट पैंट, बचा लो किसी की इज्जत ऐसी साड़ी बन जाओ। ठीक है ना, कि जिंदगी की रेस में अगर जीतना है तो बिना ब्रेक की गाड़ी बन जाओ, बेशक मत बनो कोट पैंट, बचा लो किसी की इज्जत ऐसी साड़ी बन जाओ। हाँ माना खेल रहा है भगवान तुमसे, कि हाँ माना खेल रहा है भगवान तुमसे, एक काम करो मेरी बात मानो तुम खिलाड़ी बन जाओ। राम राम।